नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी। बेस्ट कहने का मतलब ऐसा विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय क्या है? जहाँ से आप यूजी, अब यूजी क्या है? जहाँ से आप बीए, बीएससी और बीकॉम करें। जहाँ से आप, सब लोग जानते होंगे कि जहाँ से आप लोग ग्रेजुएशन करें, तो वो सारा बेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ है, जो आपको क्या क्या कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ से क्लास करना चाहिए, कि आपका जो है सिलेबस वो 3 सालों में आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो। तो आज की इस वीडियो में वही हम आपको बताएंगे। आपका यहाँ पर मेरे दोस्त एक स्टेप आपको बहुत अच्छा कर सकता है, नहीं तो आपके साथ बहुत खराब कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ही आपको बताएंगे कि आपका आफ्टर 12 किस यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ना चाहिए कि आप अपने लाइफ में अपना करियर बहुत अच्छा बना सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेरे बारे में, मैं आप कौन हूँ, क्या पढ़ाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। मैं कृष्णा कांत सिंह, बीएन कॉलेज पटना विश्वविद्यालय, ज्योग्राफी से ऑनर्स किया हूँ। 4 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर पीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इंट्रेंस। ये सारे यूनिवर्सिटी में 4 साल के इंट्रेंस की तैयारी 4 साल से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, आवर कोर्स, हमारी कोर्सेज क्या है, जो पीयू, बीएचयू, एयू। इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था, उसमें मैं सब कुछ बता दिया हूँ कि ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन कैसे होता है, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, वो एग्जाम कैसे लिया जाएगा, सब कुछ आपको मैं बता दिया हूँ। इसमें अपने कोर्स के बारे में 1 मिनट बता देना चाहता हूँ। डेली 3 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी गूगल मीट, जूम, टीच मीट ऐप पे। डेली पीडीएफ आपको दिया जाएगा, 2-3 पीडीएफ डेली। टॉपर्स से आपको बात किया जाएगा, जो प्रीवियस पास किए हुए हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम निकाले हुए हैं। 5,000+ क्वेश्चंस हम आपको देंगे। मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको देंगे। 24x7 कॉल फैसिलिटी आपको दी जाएगी। प्रोफेसर सजेशन, ये एफ ज्यादा लिखा गया है, प्रोफेसर का सजेशन कि कैसे इंट्रेंस एग्जाम को निकालना है, कैसे पढ़ना, ये सारे क्वेश्चन। 200% सिलेक्शन, यदि मेरे साथ अभी से आप जुड़ जाते हैं, आपका सिलेक्शन देंगे। वीकली टेस्ट, आपको वीकली टेस्ट दिया जाता है। इतना सब जो हम लोग देते हैं, ये हमारा जो होता है वो हमारा पेड कोर्स होता है। वो हमारा पेड कोर्स क्या है? पेड कोर्स मात्र 350 का है। वो जो 350 है वो ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है। गूगल पे नंबर हमारा यह है, फोन पे नंबर यह है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई लड़के अकाउंट पे पेमेंट करना चाहते हैं तो ये हमारा अकाउंट डिटेल्स है। इसके साथ पेमेंट के बाद आप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पे, कोई आपको क्वेरी है पेमेंट के बाद या पेमेंट से पहले, तो यहाँ पर आप मैसेज करते हैं कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, जहाँ से आप ग्रेजुएशन करेंगे, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हम बिहार और उत्तर प्रदेश, आसपास के झारखंड के लड़कों की बात करेंगे, ज़्यादा दूर के लड़कों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ वही जुड़ते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे बढ़िया होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप लाइफ में कहीं जाइएगा, आप बहुत यूपीएससी, बीपीएससी कहीं भी जाइएगा, यदि मेहनत करते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक आपका क्या है? बीएचयू, बीएच यूनिवर्सिटी। इसके साथ अगला है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और नेक्स्ट हमारा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये हमारा बीएचयू है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसके बाद क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यदि सबसे अच्छा इसमें बोला जाए तो आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद अच्छा बोला जाए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो,
फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और ये तीनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इन तीनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या आपको होना, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम की इन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए हम आपको तैयारी करवाएंगे, पूरे अच्छे से करवाएंगे। तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट जो होता है, जो बहुत कम लोगों का होता है, वो पूरे सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी होता है। संघ सरकार की इसमें होती है सीधे हस्तक्षेप। नेक्स्ट हमारा है स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी जो हमारे बिहार में है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी PU, एंड ये मिथिला यूनिवर्सिटी आपके हैं, ये आपके मिथिला यूनिवर्सिटी है। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब इसमें जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी में जवाबदेही स्टेट की होती है। यहाँ जब स्टेट यूनिवर्सिटी आप बिहार में करेंगे तो ये जो तीन यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, पाटलिपुत्रा, मगध और मिथिला, ये तीनों अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी है यदि इन तीनों में करना चाहते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी जो है वो अलग यूनिवर्सिटी है। पटना यूनिवर्सिटी में जो है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कुछ दिनों में मिल जाएगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही जैसा है, सारा फैसिलिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसा मिलता है, बट ये स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब हम लोग आपको बताएंगे कि ये पाटलिपुत्रा में क्यों करें, मगध विश्वविद्यालय में क्यों करें, मिथिला में क्यों करें, या तीनों में क्यों ना करें और पटना विश्वविद्यालय से क्यों करें। तो इन तीनों में एडमिशन लेने के लिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, इन तीनों में आपको एडमिशन करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नो एंट्रेंस एग्जाम। फिर देखिए हम लोग आगे आते हैं कि वही बताया आपको कि एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पटना यूनिवर्सिटी वर्सेज अदर यूनिवर्सिटी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो पटना यूनिवर्सिटी, इधर हम लिख दिए हैं PU, मगध, मिथिला यूनिवर्सिटी, तीनों अलग अलग यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा है, मगध है, मिथिला। अब देखिए डेली क्लासेस, पटना यूनिवर्सिटी में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे डेली क्लासेस मिलेंगी, बट नो क्लासेस। मगध यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्रा या मिथिला में लेते हैं, क्लासेस न के बराबर होती है। बट PPU के AN कॉलेज में, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, इन सभी में क्लास थोड़ी थोड़ी चलती है 2-3 दिन तक। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको पटना यूनिवर्सिटी में मिलेगी, इसमें हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा 3 ईयर सेशन होगा, ये लेट सेशन चलेगा। इसमें जो है ये 5 साल, मगध विश्वविद्यालय में मिथिला में 5 से 6 साल भी आपको लग सकते हैं, पर इसमें 3 साल में आपका ग्रेजुएशन जो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज है, इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, इनमें प्रॉब्लम होगा तो आपको तुरंत निदान किया जाएगा, इसमें निदान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्पोर्ट्स के लिए, आप नेशनल तक इंटरनेशनल तक खेल सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या मगध या मिथिला में। मगध यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्लासेस भी नहीं चलती है, एक बिल्डिंग 4 रूम में ही सारा कॉलेज वो सिमिट कर रह जाता है। इसमें फिर है कॉलेज लाइफ, आप इसमें पटना यूनिवर्सिटी में डेली क्लासेस होंगी, कॉलेज लाइफ आप जियोगे, जैसा फिल्मों में आप देखते हो वैसा आपको कॉलेज लाइफ मिलने जा रहा है। इसमें नो कॉलेज लाइफ। ये तो है, ये जो अंतर है वो बेसिक अंतर जो है वो पटना यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी में। इसमें फी भी कम लगेगा, इसमें थोड़ा सा फी ज़्यादा लगेगा। ये मेरे ख्याल से बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके लिए सिद्ध होगा ये PPU, मगध, मिथिला यूनिवर्सिटी, ये सब से अच्छा होगा। यदि आप चाहते हैं कि ना हम क्लास ना करें, इसमें क्लासेस जो है वो कंपलसरी है, इसमें क्लासेस कंपलसरी नहीं है। आप क्लासेस नहीं करना चाहते हैं, कंपटीशन वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। यदि इसमें लेते हैं तो आपको क्लास करना ही पड़ेगा। इसमें यदि पटना में रहते हैं तो 5-6 हज़ार मंथली खर्चा होगा। इसमें आप हॉस्टल में रह सकते हैं, 3 हज़ार पर ईयर में, 3 हज़ार दे देंगे और 1 साल आप इसमें रह सकते हैं। यही मेजर डिफरेंस है जहाँ पे आपको करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।